जॉब के अनेक फायदे, उसमें से कुछ हम बता सकते हैं आज, जिसमें क्योंकि इतने इसके फायदे हैं और हर बार मुझे कोई मिलता है तो बताता है कि मेरा ये फायदा होगा, दूसरा कहता है ये फायदा होगा, पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो पहला तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, क्योंकि जब आपके चक्र कमजोर हो जाते हैं, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती, जो भी चक्र में इस तरह हो जाता है वो हिस्सा शरीर का किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसके बारे में विशेष रूप से तो समझाना इसमें कठिन है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 डॉक्टरों को MD की पदवी में सहयोग को, उन्होंने 4 विषयों पर कार्य किया था और ये 4 विषय ऐसे हैं कि ये बीमारियां हम लोग ठीक नहीं कर सकते। जैसे आस्थमा की बीमारी सहयोग से ठीक हो सकती। अब इसके बारे में अगर बहुत विशद रूप से बताया जाए तो ऐसा है कि जब हम बहुत ज्यादा विचार करते, अधिक विचार करते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, फिर हम बहुत प्लानिंग करते हैं, तो ये जो हमारे राइट साइड की शक्ति जो है वो एक और विशेष रूप का कार्य, एक तो ये अपना लिवर है और आपका पैंक्रियास और आपके स्प्लीन और इंटेस्टाइन, इन सब को एक चक्र जो है दूसरा स्वादिष्ठान वो शक्ति देता। पर जब आप सोचते हैं तो अपने मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उसको भी शक्ति, जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और चिंतित होते हैं और आप कहना चाहिए फ्यूचरिस्टिक है, तो ये जो शक्ति हमारे अंदर इस चक्र में है उसी में लग जाती कि ग्रे सेल्स आपके बदलते रहे, तो आपका लिवर खराब जाता है, आपका पैंक्रियास खराब जाता है, स्प्लीन खराब जाता है और इंटेस्टाइन खराब जाता है। अब लिवर का ये कार्य कि आपके अंदर जो जहर है उसको गर्मी के द्वारा अपने शरीर से निकाल देता है। जैसे कि जो खून लिवर के पास जाता है उसे ये गर्मी जो लिवर ने खींच लिया है उसमें देता है, बड़ा भारी कार्य। अब अगर लिवर कार्यान्वित नहीं हुआ, कमजोर हो, तो ये गर्मी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती। जब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती तो हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर एक चक्र है वो राइट हार्ट, जो कि हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को संवारती। इस चक्र को जब ये गर्मी पहुंच जाती है तो उससे हमारे अंदर अस्थमा की बीमारी। अब ये गर्मी जो है जब हमारे पैंक्रियाज में पहुंचती है तो हमें डायबिटीज की बीमारी होती है। डायबिटीज की बीमारी अधिकतर ऐसे लोगों में होती है जो फ्यूचरिस्टिक है, जो टेबल पे बैठ करके प्लानिंग कर, गरीबों को नहीं होती डायबिटीज, क्योंकि वो कोई उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। आज खाना खाया, सो गए, कल उठे काम पर गए, वो चाहे 4 से 5 चम्मच भी चीनी ले लें कोई फर्क नहीं। ये जो बीमारी है ये जो अपने बुद्धि से बहुत काम करते हैं और दूसरे जो फ्यूचरिस्टिक हैं उनको होते हैं। फिर आपके स्प्लीन में तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये स्प्लीन जो है इसका कार्य ऐसा है कि ये आपका स्पीडोमीटर है, आप जो काम कर रहे हैं वो किसी लय के साथ, किसी रिदम के साथ कर रहे हैं, या यूं ही सवेरे उठे भागे भागे गए, कुछ खाया वाया,
फिर मोटर में बैठ गए और फिर रास्ते में न्यूज पढ़ी या कुछ पढ़ा तो और दिमाग खराब गया, फिर दफ्तर गए वहां भी डांट सुनी, हो गया। तो ये जो स्पीडोमीटर है इसको समझ में नहीं आता है, या जो आदमी है इसको क्या हो गया, वो तो बिल्कुल पगला जाती है। जब स्प्लीन पगला जाती है उस वक्त उस पर अगर कोई शॉक बच जाए, कोई असर आ जाए, तो ब्लड कैंसर जैसी, ल्यूकेमिया जैसी बीमारी होती है। फिर आपके किडनी पर इसका असर आता है, तो किडनी भी इस गर्मी से जो है वो मुरझा जाती है। उसके मुरझा जाने से यूरिन बंद हो जाता है। यूरिन बंद हो जाने पर वो आपको डायलिसिस में डाल देते हैं, उसमें आप रहने से आप बैंक्रप्ट हो जाते हैं और मरना तो है। फिर इससे आगे ये आपके इंटेस्टाइन पर काम करती, जिससे आपका खाना जो है हजम नहीं होता और आपको बद्धकोष्ठ माने कॉन्स्टिपेशन हो जाता, और कभी कभी वो बहुत सीरियस टाइप का कॉन्स्टिपेशन। ये तो बीमारी सिर्फ पेट की, और मैंने आपको लंग्स की भी बताए, पर अगर कोई बच्चा हो, जवान लड़का 18-19 साल का हो, शराब पीता हो, टेनिस खेलता हो, तो उसकी राइट साइड सब चलती है। उसके इससे ये जो गर्मी है एकदम से उसके हार्ट पे पहुंच जाती है और उसको मैसिव हार्ट अटैक आता है। ऐसा हार्ट अटैक आता है कि वो बच नहीं सकता, फेटल होता है। इसलिए कहते हैं कि यंग एज में अगर किसी को मैसिव हार्ट अटैक आए तो बच नहीं, एकदम खत्म हो जाता। फिर इस गर्मी के बारे में बताना ये है कि अगर मनुष्य इसी तरह से चलता रहा तो उस पर भी उसके हार्ट पे असर आ सकता है, और कभी भी उम्र में कभी भी मैसिव हार्ट अटैक आ सकता, उससे भी मृत्यु हो सकती। तीसरे उसको पैरालिसिस हो सकता, उसका राइट साइड पैरालाइज हो जाएगा। माने जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी हम लोगों को संतुलन सिखाती। तो हम बहुत ज्यादा राइट साइड करने लगे तो वो ऐसे कर देगी कि आपकी राइट साइड ही जकड़ जाए, राइट साइड जकड़ गई तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ हमने एक चक्र के बारे में बताया, उससे कितनी बीमारियां हो सकती समझ सकते हैं। और अपने अंदर 7 चक्र हैं, कुंडलनी 6 चक्रों को देखती, और अगर आपको 6 चक्र ठीक हो जाए तो आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य मिल जाए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। सहयोग में जो स्थित होते हैं लोग समझदारी से, वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाते, सबसे बड़ा फायदा है। अब दूसरा जो फायदा है कि आपके मन में शांति प्रस्तावित है। हम हर समय विचार करते रहते हैं, या तो भविष्य के बारे में और या तो हम भूतकाल के बारे में विचार करते हैं, और इन्हीं विचारों पे हम कूदते रहते हैं। जो वर्तमान है वहां हम रुक नहीं सकते, लेकिन एक विचार उतरा और गिर गया, दूसरा विचार चढ़ा फिर उतर गया, इस तरह से विचारों की श्रृंखलाएं बनी रहती है, और उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है जिसे कि विलंब कहते हैं, पॉज कहते हैं, वो वर्तमान है, लेकिन वहां हमारा चित्त ठहर नहीं सकता। कुंडलिनी के जागरण से ये विचार हट जाते और लंबे हो जाते, लंबा को तो जो बीच में जगह होती है वही जगह हमारे वर्तमान की, और वर्तमान ही जो है वस्तु स्थिति, वही असलियत है। बाकी तो भूतकाल जो है वो तो खत्म हो गया, और जो भविष्य है वो है ही नहीं, तो वर्तमान में आप ठहर। जब आप वर्तमान में ठहर जाते हैं तो आपके अंदर पूरी शांति आ जाती है। इस प्रकार कि जैसे आप पानी में खड़े हैं और लहरें उठ रही हैं, आपको तैरना वरना आता नहीं तो आप घबरा रहे हैं लहरों से, लेकिन अगर आप बोट में चढ़ जाएं देखते हैं, पर अगर आपको तैरना आ जाए तो आप कूद करके उन्हें भी बचा सकते हैं कि जो तैरना नहीं जानते और जो डूब रहे हैं। यही बिल्कुल सहयोग में होता है। पहले लोग अपनी उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, माने विचार रहित चेतना, विचार रहित चेतना।
जिसे कि निर्विचार समाधि कही जाती, ये पहली दशा है। और उसके बाद में दूसरी जो दशा आती है उसे कहा जाता है कि निर्विकल्प समाधि, माने कोई दिमाग में विकल्प नहीं रह जाता अपने बारे में, सहजों के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में। ऐसे आदमी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सहयोग क्या है और फिर वो सहयोग से कार्य करता है। ये दशा भी किसी किसी लोगों को तो पहली मरतबा आ जाती और किसी किसी को थोड़ा समय लगता है। तो निर्विचार समाधि को प्राप्त करने से आप एकदम शांत हो जाते, यही आपके अंदर की शांति की स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमसे सारे जो क्रूर विचार हैं और हिंसाएं हैं और दूसरों को नष्ट करने की प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाती, क्योंकि हम इस शांति की जो हमारे अंदर स्थिति उसको बहुत आनंद से और बहुत सुख से अनुभव करते। फिर हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी के बारे में द्वेष करना, किसी के बारे में आतताई पना करना, किसी भी चीज से हमें कोई तरह का मोह नहीं होता, सारे ये मोह छूट जाते और मनुष्य एकदम शांत स्वरूप होकर के सारे संसार की ओर एक साक्षी स्वरूप होकर देखता है और इस साक्षी स्वरूप में वो सोचता है सब कोई नाटक सा हो रहा है, मैं इससे बाहर आ गया, अब मैं इस ट्रैफिक में नहीं, मैं तो बाहर पहाड़ पे बैठा हूं। और जब वो उससे हट जाता है तो उसके जो प्रश्न है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसको वो बहुत आसानी से छुड़ा सकता है। परम प्रेम की शक्ति है ये भी तो कार्यान्वित होती है और ये भी प्रश्न को ठीक कर देती है। दूसरा जो बड़ा लाभ होता है कि आपकी जो सुप्त शक्तियां हैं, सृजन शक्ति है, वो जागृत। हर एक तरह की सृजन शक्तियां मैंने देखी है ऐसे लोगों में जागरूक हुई जहां उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी कुछ ऐसा सृजन कार्य करें। तीसरी चीज यह है कि आपकी मानसिक शांति के कारण आप दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकते, जहां ऐसा मनुष्य खड़ा होता है वहां शांति प्रसारित होती। सिर्फ किसी को अवार्ड देने से शांति नहीं आती, किसी को कह देने से कि ये शांति के दूत है शांति नहीं हो सकती। शांति हमारे अंदर की चीज है और जब ऐसी शांति हमारे प्रस्तापित हो जाती है तब हम एकदम निर्भय हो जाते हैं। जैसे कि कबीर ने कहा है कि निर्भय या निर्गुण गाऊंगा मैं, तो भय जो चीज है चली जाती है। ऐसा मनुष्य जो है वो निर्भयता से और जो सच्ची बात है उसे कहता है। आप दूसरों की ओर अब ऐसा ध्यान देते हैं कि उनमें क्या अच्छाई है और अपने और ध्यान देते कि मुझ में क्या खराब है, क्योंकि आप अपने से हट गए हैं तो आप देखते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे समाज में क्या खराब है, फिर आप देखते हैं कि मेरे देश में क्या खराब है। नहीं तो पहले अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारे समाज में खराबी तो मारने को दौड़ेंगे, अब वो सोचते हैं कि नहीं ये बड़ी खराबी है इसे हमें हटाना। तो इस तरह से एक शुद्धता अपने जीवन के होते साथ ऐसा जो महान मानव होता है वो सारे अपने समाज और सारे अपने देश उसकी सफाई करता है और वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्यों करूं ये सफाई, मुझको क्या करनी है, मैं तो पा चुका, मैं बैठ रहा हूं आराम से, मैंने पा लिया और मैं अब उसमें रममान रहूंगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे आदमी को इतनी अंदर से इच्छा होती क्योंकि उसके अंदर करुणा जागता है, मैंने पाया है तो औरों को क्यों ना दिए जाए। और उसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं तो हैरान हूं किस तरह से लोगों ने जो सहयोगी हो गए मेरी मदद की है, बिल्कुल उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात कि सहयोग से हमारी जो बुद्धि है जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस जो है ये विश्रम बन जाती, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती और आपके पास डिवाइन डिस्क्रिशन आ जाता है। आप जानते हैं कौन ठीक है कौन नहीं, कहाँ तक बोलना चाहिए, कहाँ तक बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए, और जो भी आप करते हैं उसका असर बहुत गहरा और बहुत फैला हुआ होता है।
क्योंकि व्यक्तित्व ही बड़ा बढ़ता है। व्यक्तित्व जैसे कि मैं कहती हूँ कि विश्व समष्टि अपने को पाता है और इस समष्टि में वो विश्व का एक अंग हो जाता है। फिर वो समझता है कि ये पृथ्वी क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये नदी क्या है, ये समुद्र क्या है। उसमें देख के उसके प्रति उसमें एक बहुत धर्म भावना है। और फिर जो आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो हाथ से बनाई हो, जिससे ये वातावरण स्वच्छ रहे, उनको कहने की ज़रूरत। और मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग लेके आए, ये पढ़ने में बिल्कुल गंवार है, पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो लड़के फर्स्ट आ गए, इतना ही नहीं उनको स्कॉलरशिप तक। तो इससे बुद्धि भी आपकी बहुत तीक्ष्ण हो जाती। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज़ की आजकल के ज़माने में इज्जत नहीं करते, ज़मीन की इज्जत नहीं, जो अपनी माँ है, हमें सूर्य की इज्जत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं है, अपने संस्कृति की भी इज्जत। तब फिर हम जागरूक होते हैं सर्व संस्कृति में, वो एक बड़ी ही अभिनव चीज, उसमें मनुष्य एकदम नैतिक हो जाता है। ये जो हमारे अंदर से आने वाली इन्हें जिसे कहना चाहिए नैतिकता है, उससे समाज व्यवस्थित होता है, उससे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। पर सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो शरीर व्यवस्था है वो ठीक हो जाए। आजकल के ज़माने में अगर आप बीमारियां देखें कितनी हैं, तो ये अधिकतर अनैतिकता से आई। अब दूसरी बात हमें सोचना चाहिए कि धर्म के मामले में हम लोगों को अभी इस चीज़ को मान्यता देनी चाहिए कि सारे धर्म आध्यात्म में ही आधारित है। अब एक छोटी सी मैं आखिर में एक बात बताऊंगी कि महाराष्ट्र में एक कवि थे, रामदेव, जिनको गुरु नानक ने भी बहुत माना, और एक थे दूसरे संत, वो कुमार थे। तो रामदेव उनसे मिलने गए, जब मिलने गए तो उसको देख के हठात खड़े, मराठी में उन्होंने कहा, निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणा, मैं तो तुम्हारे अंदर निर्गुण देखने आया था, चैतन्य देखने आया था, तू तो सगुण खड़ा है। ये एक संत ही संत को कहे, और संतों ने हमेशा संतों को सुना। तो इस तरह से हर धर्म में ऐसे साधु संत हो, हर एक धर्म, कोई ऐसा धर्म है जिसमें नहीं हो। और वो सब यही सोचते हैं कि सारे ही धर्म एक ही अध्यात्म के पेड़ से निकले हुए। Mm-hmm.